ये हमारे सिटी का सबसे फेमस दरबार है, और जब यहाँ से मेरा गुजर हुआ तो सोचा आपको भी इसका विज़िट करवा लिया जाए और फातिहे के साथ दो रकात नमाज नवाफिल भी अदा कर लिया जाए। और ये दरबार का फ्रंट है और मैं इस दरबार के ऑपोजिट साइड पर खड़ा हूँ ताकि आपको दरबार का इजीली फ्रंट नज़र आ सके। यहाँ हम दरबार में दाखिल हुए और साथ ही दरबार की मस्जिद है। और ये वजू गाह है जहाँ मैंने वजू किया और उसके बाद मैंने दो रकात नमाज नवाफिल इशराक अदा किए। दरबार में मुझे एक भाई साहब मिले जिनका नाम शरियार था और उन्होंने भी मेरे साथ दो रकात नमाज नवाफिल अदा की।
और वो काफ़ी पुरखलोस शख्स थे और मुझे उनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर हमारी कुछ बातचीत हुई और यहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम शहरयार है। और उसके बाद मैं दरबार में गया और वहाँ पे मैंने फतेह पढ़ी। और उसके बाद हम दरबार से रवाना हुए और ये हम नर्सरी की तरफ जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम यहाँ नर्सरी पे आए हुए हैं तो हमने कुछ प्लांट्स खरीदने थे तो सोचा आपको यहाँ पर पहले विज़िट करवा लिया जाए, क्योंकि मुझे खुद ज़ाती तौर पर ये सब्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हमने घर के लिए कुछ प्लांट्स लाए थे, चलिए आपको प्लांट्स भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि हमारी सिटी की नर्सरी है। एक चीज़ और, आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हमारी डेली रूटीन क्या है, आज हम क्या क्या करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे प्लान किए हैं तो हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। तो आए फिर चलते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, प्लांट्स का विज़िट कीजिए। ये मेरी बैक साइड पे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो मैंने सोचा पहले आपको कॉर्नर से दिखा दिया जाए। ये देखिए मेरी बैक साइड पे हैं और आगे चल के मैं आपको जो बड़े प्लांट्स हैं उनका विज़िट करवाता हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे बड़े प्लाट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये हमारे सिटी की सबसे बड़ी नर्सरी है, इसका नाम है फैसल नर्सरी फार्म। तो हम काफ़ी ज़्यादा जो हैं प्लाट्स हैं हम यहाँ से परचेज़ करते हैं अपने घरों के लिए। हाँ ये देखिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यहीं से स्टार्ट करवा लिया जाए, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे सुबह सुबह देख के कि ये सब्ज़ा सब्ज़ा है, क्योंकि लोगों को अमूमन सब्ज़ा ज़्यादा पसंद होता है। ये देखिए ये बैक साइड में, ये देखिए बहुत ही बड़ी है नर्सरी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं, हर साइज़ के यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। ये देखें ये फ्लावर्स हैं, ये छोटे छोटे फ्लावर्स काफ़ी लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जैस्मिन पसंद है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा वहाँ वो परचेज़ किए थे। मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी साइड, ये इनके बैठने की जगह है। ये देखिए यहाँ पे सारे लोग बैठते हैं जो नर्सरी के मालिक हैं। ये देखिए कितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं, काफ़ी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। और आइए ये देखें, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट्स हैं, मिक्स हैं। ये देखिए रेड रोज़ भी है और आई थिंक वाइट रोज भी है। और ये वो है जो हम अक्सर गांव में देखते हैं कि दरख्त के नीचे शायद नीम है, आई थिंक वही है। तो ये हमारे घरों में लगा होता है और इसकी छांव बड़ी घनी होती है। नर्सरी विजिट करने के बाद हम आए हैं अपने सिटी के सबसे बड़े ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड में। ये देखिए सबसे बड़ा हमारी सिटी का रेलवे ग्राउंड है। इसे रेलवे ग्राउंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथ रेलवे ट्रैक पड़ता है और वहाँ के जो है लाजमीन वहाँ उनको रिहाइश मुहैया की हुई है इन्होंने। और मेरी बैक साइड पर जो जिनसे मैं बैठा हूँ, ये फिटनेस इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ पर लोग आके अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। ये देखें मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इसे यूज़ किया जाता है आपके कैमरे। और हमारी सिटी का गलिबन मेरे लिहाज से सबसे बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे वहाँ पे फुटबॉल मैचेस होते हैं। ज़रा कैमरा दिखाइए, हाँ वो वहाँ पे जो यहाँ पे ग्राउंड है वहाँ पे डेली फुटबॉल मैचेस होते हैं और इस साइड पे यहाँ पे क्रिकेट मैच जाते हैं। वॉक के लिहाज से बहुत अच्छा है, यहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं क्योंकि हम अक्सर आके यहाँ पे वॉक करते हैं। और अभी मैंने थोड़ी सी वॉक की है तो सोचा आपके लिए वीडियो। वॉक करने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ना देखें यहाँ पे दरख्त हैं, दिखाता हूँ आपको, अब दिखाइए दरख्त, यहाँ पे दरख्त हैं तो इनकी वजह से ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे जब आप वॉक करते हैं तो आपको सबसे जो चीज़ ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की होती है, तो यहाँ पे वॉक करने के बाद मुझे जो ज़्यादा सुकून मिलता है वो ऑक्सीजन की वजह से मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है ऐसी जगहों पर। अगर आपका हमारी सिटी में चक्कर लगे तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा यहाँ पे और वॉक कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये जगह कैसी है वॉक और सेहत के लिहाज। और ये मेन रोड के बिल्कुल साथ है और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी मिलती हैं और साथ छोटे से रेस्टोरेंट भी है। ये साथ ही मेन रोड है और इसके बिल्कुल साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको ये रेलवे ग्राउंड नज़र आता है। मेरी आज की मॉर्निंग थ्रूटी जो मैंने आपके साथ शेयर की, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।